नमस्कार दोस्तों, अपन ने पिछली वीडियो के अंदर बात की थी हवाई जहाज़ का पॉइंट क्या है, रनवे पॉइंट क्या है, किस प्रकार से होता है, मर्सी लेंस एरिया क्या है। अब आज बात करेंगे फायर फाइटिंग के सामान्य नियम। जब हवाई जहाज लैंड करता है या जब उड़ान भरता है तो उसके अंदर क्या है, पहियों के घसने से या किसी आकस्मिक कारण से उसके अंदर आग लगने की संभावना हो जाती है, तो आग लगने की संभावना किस प्रकार से फाइटिंग करने के लिए बुझाने के किस प्रकार से कौन से नियम होते हैं उसके बारे में बात करेंगे अपन। उसके बाद में बात करेंगे अपन हवाई जहाज़ के अंदर आने वाली आपातकालीन स्थितियाँ। हवाई जहाज़ जब लैंड करता है या उड़ान भरता है या जो विशेष कार्य के दौरान होता है तो क्या है, उसके अंदर सामान्य कौन कौन सी आपातकालीन एमरजेंसी आ सकती है उसके बारे में। उसके बाद में बात करेंगे हवाई जहाज़ के रेस्क्यू एवं अग्निशमन कार्य। हवाई जहाज़ के अंदर किस प्रकार से अपन रेस्क्यू करेंगे, पिछले वीडियो में अपन बात कर लिया था कि रेस्क्यू के कौन कौन से उपकरण होते हैं, किस उपकरणों के द्वारा हवाई जहाज़ के अंदर घुसा जाता है एवं जो आउटडोर होता है इनडोर कौन कौन से होते हैं तो उनके द्वारा उसके अंदर घुसा जा सकता है। उसके बाद में करेंगे अग्निशमन का कार्य किस प्रकार से करते हैं जो हवाई जहाज के अंदर होता है, इसके बारे में अपन सामान्य एक एक के बारे में विस्तार से पढ़ें। फाइट फाइटिंग के सामान्य नियम जो अपन एक हवाई जहाज के अंदर आग लगने के उपरांत, तो एक हवाई जहाज में रेस्क्यू एवं अब बात करेंगे इसकी, उसके बाद में हवाई जहाज में रेस्क्यू एवं अग्निशमन कार्य, उसके बाद में अपन अब पढ़ते हैं हवाई फायर फाइटिंग के सामान्य नियम। अग्निशमन कार्य के लिए सामान्य नियम जब क्या है, हवाई जहाज़ों के लिए अपन सामान्य नियमों की बात करते हैं, सामान्य नियमों की विशेष रूप से विवेचना करते हैं। फायर फाइटिंग के सामान्य नियम, फायर फाइटिंग के सामान्य नियम, किन किन सामान्य नियमों की वजह से उस अग्नि को बुझा सकते हैं, जो फायर फाइटिंग आग लगी है उसको अपन समाप्त किया जा सकता है, तो उसमें बात करते हैं फायर फाइटिंग के सामान्य नियम। फ्यूजलाइज नंबर एक लिखो, फ्यूजलाइज जो फ्यूजलाज होता है जो पेट्रोल वगैरह अपन भरते हैं, फ्यूजलाज के नीचे एवं चारों तरफ फॉर्म का उपयोग करें, फ्यूजलाज के नीचे वो चारों तरफ फॉर्म का उपयोग, जो फ्यूजलाज होता है उनके चारों तरफ क्या है कि अपन फॉर्म का उपयोग कर देना चाहिए। फॉर्म दो प्रकार के होते हैं, अपन ने पहले भी बात की, फॉर्म नंबर एक केमिकल फॉर्म नंबर दो हो गया केमिकल के बाद में मैकेनिकल फॉर्म। तो क्या है फॉर्म, फ्यूजलाइज के चारों तरफ फॉर्म का प्रयोग करें, फ्यूजलाइज के चारों तरफ फॉर्म का प्रयोग करें, जो चाहे कौन सा भी फॉर्म हो, चाहे अपने चाहे मैकेनिकल फॉर्म हो चाहे केमिकल फॉर्म हो, तो उन दोनों कोई भी फॉर्म अपन यूज़ कर सकते हैं। अधिकतर क्या है मैकेनिकल फॉर्म को ही यूज़ किया जाता है क्योंकि इसमें बढ़ाने में आसानी रहती है एवं इसका विस्तार क्षेत्र बहुत अधिक होता है, 1.20 से लेकर 2000 तक इसका विस्तार क्षेत्र होता है। उसके बाद में आते हैं आग के निकट जाओ और फॉर्म अथवा पानी का प्रयोग करें, नंबर दो आग के निकट जाने पर
आग के निकट जाने पर फॉर्म वो पानी का प्रयोग करें, फॉर्म वो पानी का फॉर्म वो पानी का प्रयोग करे जब आग के अंदर यदि अपने को निकट पहुंचना है उस स्थिति में, तो क्या है पानी को पूरे ग्राउंड में डाल दें ताकि वहाँ पर हीटिंग कम हो जाती है, उसका हीट का जो तापमान है ज्वलन बिंदु है वो कम हो जाता है, उसके बाद में आग को फैलने से रोके, आग को फैलने से रोके। ये थे आग के सामान्य नियम, किस किस नियमों से आग को बुझाई जा सकती है। तो फायर फाइटिंग के सामान्य नियम ये थे, एरोप्लेन हवाई जहाज की आग बुझाने के लिए, हवाई जहाज की आग बुझाने के लिए। हवाई जहाज की आग बुझाने के लिए तो फ्यूजलाइज के नीचे, जहाँ पर पेट्रोल का फ्यूजलाइज के नीचे चारों तरफ फॉर्म का उपयोग अपने को कर लेना चाहिए, वहाँ पर फॉर्म डाल देना चाहिए। जो फॉर्म कौन सी विधि से आग बुझाता है, फॉर्म आग कौन सी ब्लैंकेटिक मेथड से आग, श्वास रोधन विधि के द्वारा आग बुझाने का कार्य फॉर्म करता है। उसके बाद में आता है आग के निकट चारों तरफ फॉर्म का उपयोग करें, आग के निकट जाने पर फॉर्म वो पानी करे। अपने को यदि फायरमैन आग के निकट जा रहा है, उस जब हवाई जहाज के अंदर किसी में आग लगी हुई है तो वहाँ जा रहा है, तो वहाँ पर वो क्या है फॉर्म या पानी अपने पास में लेके जाए, ताकि क्या है आग अचानक भी यदि वहाँ पर भड़क जाती है, एकदम निकल जाती है, तो उस समय उस पानी और अपनी जिंदगी बच सकती है, एकदम यदि अचानक आग भड़कने तब। उसके बाद में पानी को पूरे ग्राउंड में डाल दें ताकि वहाँ पर हीट कम हो सके, पानी को पूरे ग्राउंड में डाल दें ताकि वहाँ पर हीट कम हो सके, हीटिंग कम किया जा सकता है। देखिए तो ये पूरा ग्राउंड है जहाँ पर हवाई जहाज लैंड करता है, जहाँ हवाई जहाज उतरता है, तो उस समय क्या है वहाँ पर पानी अत्यधिक मात्रा में डाल के रख देना चाहिए, ताकि वहाँ हीट कम हो और आग फैले नहीं, आग को फैलने से रोके। एवं आग यदि वहाँ पर फैल रही है, भड़क रही है, तो उनको सबसे पहले रेस्क्यू करने के बाद में उसको घेराबंदी करना चाहिए। घेराबंदी के दौरान यदि किसी भी प्रकार की यदि समस्या आ रही है तो उनका सॉल्यूशन करें और आग को जल्द से जल्द बुझाने का कार्य करते हैं। ये थे आग के सामान्य नियम जो आपने नोट कर लिए होंगे, नहीं तो ये जो वीडियो को रोक पॉज करके उनमें के अंदर से आप एक बार अभी नोट कर लो, या शायद तो वहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद में अपन पढ़ते हैं हवाई जहाज के आने वाली आपातकालीन स्थिति है। ये फायर फाइटिंग के सामान्य नियम थे, इसके बारे में अपन ने कर लिया। अब अपन पढ़ेंगे हवाई जहाज के लिए आने वाली आपातकालीन परिस्थितियाँ। ठीक है, तो हवाई जहाज के लिए आपातकालीन परिस्थितियाँ, हवाई जहाज के लिए आपातकालीन स्थितियाँ,
हवाई जहाज के लिए मुख्य तौर से कौन कौन सी आपातकालीन स्थिति हो सकती है? किस स्थिति हवाई अड्डे के क्षेत्र में होने वाली दुर्घटना? नंबर एक पे लिखो, हवाई अड्डे अड्डा क्षेत्र में होने वाली दुर्घटना, हवाई अड्डे क्षेत्र में होने वाली दुर्घटना, हवाई अड्डे क्षेत्र में होने वाली दुर्घटना, हवाई जो अड्डा क्षेत्र है उनके अंदर होने वाली दुर्घटना। नंबर दो, अड्डे हवाई अड्डे क्षेत्र के बाहर, हवाई अड्डा क्षेत्र के बाहर होने वाली दुर्घटना वाली दुर्घटना, हवाई क्षेत्र के अंदर और बाहर होने वाली दुर्घटना। नंबर एक, हवाई अड्डे क्षेत्र के अंदर होने वाली और क्षेत्र के बाहर, हवाई जहाज नहीं टालने योग्य होने वाली, हवाई जहाज नहीं टालने वाली, नहीं टालने वाली दुर्घटनाएं, नहीं टालने, उसको टाला नहीं जा सकता है, तो इस प्रकार की हवाई जहाज, खड़े हवाई जहाज में होने वाली दुर्घटना। नंबर तीन, खड़े आने वाली दुर्घटना, जो खड़ा खड़ा हवाई जहाज है उसके अंदर भी दुर्घटना आ सकती है, बम के संदेह के कारण, बम के संदेह के कारण, बम के संदेह के कारण आने वाली, बम के संदेह के कारण आने वाली दुर्घटना, ठीक है। छह नंबर पे आ गया, आग लगने के कारण, हवाई अड्डे में आग लगने के कारण हवाई जहाज में नहीं, हवाई अड्डे में आग लगने के कारण हवाई अड्डे में आग लगने के कारण हवाई जहाज में नमी का क्षेत्र हो जाता है। उसके बाद में लिखो, बम के कारण, विभाग में रखे बम के कारण, विभाग में रखे बम के कारण जो विभाग के अंदर बम या अन्य हथियारों के आक्रमण से, बम या अन्य हथियारों के आक्रमण से, ठीक है। ये हो गई हवाई जहाज के अंदर आपातकालीन स्थिति, आपातकालीन स्थिति के अंदर होने वाले, आपातकालीन स्थिति के अंदर क्या क्या हो सकते हैं, तो उसके अंदर आपातकालीन स्थिति में नंबर एक, हवाई जहाज के अंदर दुर्घटना, हवाई अड्डे के क्षेत्र में होने वाली दुर्घटना, हवाई जो अड्डा क्षेत्र होता है उसके अंदर होने वाली दुर्घटना, हवाई अड्डे के क्षेत्र में बाहर बाहर होने वाली दुर्घटना, बाहर होने वाली दुर्घटना, हवाई अड्डे के नहीं टालने वाली दुर्घटना, उसको टाला नहीं जा सकता, उस प्रकार की दुर्घटना हो जाती है खड़े हवाई जहाज के अंदर। तो ये है हवाई जहाज के आपातकालीन स्थितियाँ कौन कौन से, तो खड़े खड़े हवाई जहाज के अंदर किसी प्रकार की आपत्ति आ सकती है, बम के संदेह के कारण
आने वाली दुर्घटना, बम यदि वहाँ पर कभी किसी भी कारणवश यदि वहाँ विस्फोट हो जाता है, वहाँ भयंकर रूप लेता है, तो उसकी वजह से भी कुछ परेशानियाँ आती है। उसके बाद में आ गई अपने हवाई जहाज़ में आग लगने के कारण, हवाई जहाज़ की नमी क्षेत्र, हवाई अड्डे में यदि आग लगी तो वहाँ पर क्या है, नमी क्षेत्र ज़्यादा हो गया, नमी की अधिकता ज़्यादा हो गई, नमी अत्यधिक मात्रा में वहाँ हो गई, तो क्या है, हवाई जहाज़ के अंदर कोई भी आपातकालीन स्थिति आना जरूरी हो जाती है। और विभाग द्वारा रखे बम के दुर्घटना या बम अन्य आक्रमणों की वजह से भी यह हवाई जहाज़ के अंदर आपातकालीन स्थिति के अंदर किया जा सकता है। आपातकालीन ये स्थिति होती है उसके अंदर भी किया जा सकता है। तो ये थे आपातकालीन स्थिति को निपटने के लिए हवाई जहाज की जो विषय वस्तु है, क्रियात्मक है। तो ये थी उनके अंदर आपातकालीन आने वाली स्थितियाँ, आपातकालीन के अंदर उसके अंदर क्या क्या स्थिति आ सकती है। तो ये थी आपातकालीन आने वाली स्थितियाँ। दुर्घटना हवाई जहाज में रेस्क्यू एवं अग्निशमन कार्य, इसके बारे में अपन ने नोट कर लिया, ठीक है। हवाई जहाज के आने वाली आपातकालीन स्थितियाँ, फायर फाइटिंग के सामान्य नियम पढ़ लिए। अब है हवाई जहाज में रेस्क्यू एवं अग्निशमन कार्य, हवाई जहाज में रेस्क्यू एवं अग्निशमन कार्य। हवाई जहाज में रेस्क्यू वह अग्निशमन हवाई हवाई जहाज में रेस्क्यू एवं अग्निशमन कार्य, रेस्क्यू एवं अग्निशमन कार्य क्या क्या हो सकता है, किस प्रकार से उसके अंदर रेस्क्यू किया जा सकता है, किस प्रकार से उसको अग्निशमन कार्य किया जा सकता है, जो एक होता है ना अपने, तो उसके अंदर लिखो, सबसे पहले लिखो रेस्क्यू, अग्निशमन कार्य में लिखो रेस्क्यू, रेस्क्यू नंबर दो, नंबर एक पे आ गया रेस्क्यू, नंबर दो अग्निशमन, नंबर रेस्क्यू अग्निशमन आग लगने की घटना को रोकना, लगने की घटना को रोकना, आग लगने की जो घटना है उसको रोकना, यदि दूसरी सेवा की आवश्यकता हो तो प्राथमिक उपचार अथवा ऋषि टेक से उपचार करना, यदि दूसरी सेवा की आवश्यकता हो तो प्राथमिक उपचार करना, ये है प्राथमिक। हवाई जहाज के अंदर रेस्क्यू एवं अग्निशमन कार्य, रेस्क्यू किस प्रकार से किया जाता है और अग्निशमन कार्य किस प्रकार से किया जाता है। तो हवाई जहाज में सबसे पहले क्या है, रेस्क्यू। हवाई जहाज के अंदर अपन ने पिछले वीडियो के अंदर बात की थी, जब हवाई जहाज के अंदर आग लग जाती है तो जो जाने के अंदर जो डोर होते हैं, उस डोर के माध्यम से अपन अंदर जा सकते हैं। तो उसके अंदर रेस्क्यू या हवाई जहाज में रेस्क्यू, सबसे पहले रेस्क्यू करना। रेस्क्यू के लिए जो अपन ने पिछले वीडियो के अंदर बात की थी, जो कंपार्टमेंट, इमरजेंसी कंपार्टमेंट है, जिस कंपार्टमेंटों के अंदर अपन
अंदर घुस सकते हैं आसानी से। उस कंपार्टमेंट के माध्यम से व्यक्ति अंदर घुस जाता है, अंदर घुस के वहाँ पर फायर फाइटिंग का कार्य करता है, एवं जब रेस्क्यू की आवश्यकता होती है, वहाँ उसके अंदर कोई व्यक्ति फंसा हुआ है तो वो चाहे फायरमैन लिफ्ट के द्वारा हो सकता है लाए, या किसी भी जो अपन ने नोट्स पढ़ी, नोट्स गांठें 18 प्रकार की मुख्य रूप से गांठें पढ़ी, याद है ना, तो वो 18 प्रकार की गांठें हैं, उनमें से यदि सैर नॉट गांठ लगा के उसके अंदर व्यक्तियों को फंसा के लाए तो आसानी से बाहर ला सकता है। एक इस साइड में फंसा है, दूसरी साइड में आगे वाला हिस्सा और पीछे वाला हिस्सा खींच के सैर नॉट गांठ के माध्यम से वो ला सकता है, वहाँ व्यक्ति को स्थापित उसके अंदर डाल देता है, तो आगे ऊपर व्यक्ति खींच लेते हैं और वो रेस्क्यू कार्य करते हैं। तो सबसे पहले जो जब हवाई जहाज़ के अंदर आग लगती है तो उसके लिए अपने को रेस्क्यू कार्य करना पड़ता है, रेस्क्यू कार्य को प्रारंभ किया जाता है और रेस्क्यू कार्य वहाँ करना उचित माना जाता है। उसके बाद में आता है अग्निशमन कार्य। रेस्क्यू कार्य करने के बाद में अपन ने चाहे मशीनरी रेस्क्यू किया या चाहे अपने अग्निशमन बिना उपकरणों के अपने नॉर्मली उपकरणों के द्वारा रेस्क्यू किया है, कोई अपने पास उपकरण नहीं है और अपन ने रेस्क्यू किया है तो वो रेस्क्यू हवाई जहाज के अंदर रेस्क्यू नॉर्मल रेस्क्यू हो गया। उसके बाद में आ गया आग लगने की घटना को रोकना। जब आग लगने की घटना को रोकना यह हो गया, उसके बाद अग्निशमन, अग्निशमन जो यदि वहाँ आग लगी हुई है उसके अंदर कंपार्टमेंट के अंदर आग लगी हुई है तो उस आग को अग्निशमन का कार्य करना, ठीक है, अग्निशमन, तो उसके ऊपर अपने को फायर फॉर्म या डीसीपी या जिस प्रकार से अपन उसके अंदर जब कंपार्टमेंट के अंदर घुसते हैं तो जिस प्रकार की यदि आग है, जिस भी पदार्थ की आग है तो उस पदार्थ के ऊपर वही पदार्थ अपन डाल के आग को बुझाया जा सकता है, उसको जल्द से जल्द उसका निपटारा किया जा सकता है। उसके बाद में आता है आग लगने की घटना को रोकना। यदि मानो कि यहाँ आग लगी हुई है और आग आगे फैलने की संभावना है, यहाँ आग लगी हुई है और आग आगे फैलने की, इस क्षेत्र में मानो कि आग है, आग आगजनी, ठीक है, तो इस आगजनी क्षेत्र में यदि आग है और आग इस क्षेत्र में नहीं फैले, इस क्षेत्र, ये आप इसको ए पार्ट मान सकते हैं, ए पार्ट, और ये हो गया आपका बी पार्ट, तो ए पार्ट एवं बी पार्ट, तो ए पार्ट में यदि आग लग गई है ये पूरी और बी पार्ट में नहीं है तो बी पार्ट में अपन भी आग लगा सकते हैं, बी पार्ट के माध्यम से आग को रोक सकते हैं। तो क्या आग लगने की घटना को रोकने के लिए इस प्रकार के रेस्क्यू। उसके बाद में यदि सेवा की आवश्यकता, दूसरी सेवा की आवश्यकता होती है एमरजेंसी, जैसे कि प्राथमिक उपचार हो गया, तो प्राथमिक उपचार जैसी सेवाओं को चालू करने के लिए, प्राथमिक उपचार करने के लिए, तो इस प्रकार से अपने उसके अंदर रेस्क्यू किया जा सकता है। तो क्या है इसमें, क्या है, दो क्षेत्र होता है, एक तो हवाई जहाज हवाई अड्डे के अंदर, एक हवाई अड्डे के अंदर आगजनी हो गई, हवाई अड्डा है वहां पर आगजनी हो गई, एक हवाई अड्डे के बाहर, ठीक है, लिख लो हवाई अड्डे के बाहर हवाई अड्डे के अंदर, हवाई अड्डे के अंदर आग लग जाना और दूसरा हवाई अड्डे के बाहर आग लग जाना। तो क्या है, हवाई अड्डे के यदि अंदर आग लगेगी, हवाई अड्डे के जब अंदर आग लगेगी, जब मानो कि हवाई अड्डे के अंदर आग लगेगी तो अंदर अपन आसानी से बुझाया जा सकता है, क्योंकि वहाँ के साध सामान एवं वहाँ पर जो टीम वगैरह होती है एवं उनको बुझाने के लिए आसानी सभी लोग मददगार होते हैं और मदद करते हैं, उसकी वजह से उसको अपन आसानी से बुझा सकते हैं। लेकिन क्या है कि जब हवाई अड्डे के बाहर के क्षेत्र में आग लग जाती है, बाहर के क्षेत्र में यदि आग भड़क जाती है बाहरी क्षेत्र में, तो वहाँ बुझाना बहुत मुश्किल होता है। तो इस तरह हवाई अड्डे के बाहर की आग बुझाना
आसान नहीं रहता है। ये था हवाई जहाज के अंदर रेस्क्यू एवं अग्निशमन कार्य किस प्रकार से करते हैं, और रेस्क्यू करने के लिए अपन ने विशिष्ट प्रकार के इनके बारे में अध्ययन किया। ठीक है, तो हवाई जहाज में रेस्क्यू अग्निशमन कार्य, तो फायर फाइटिंग के सामान्य नियमों की अपन ने चर्चा कर ली। उसके बाद में हवाई जहाज के अंदर आने वाली जो आपातकालीन स्थितियां हैं, तो उसके बारे में सर हवाई जहाज के अंदर रेस्क्यू एवं अग्निशमन कार्य किस प्रकार से किया जा सकता है, जो अपन रेस्क्यू करते हैं वो किस प्रकार से करें, और अग्निशमन जो कार्य होता है वो किस प्रकार से करें, इसके बारे में अपन ने चर्चा की। नंबर एक, फायर फाइटिंग सामान्य फ्यूजलाइज जहाँ पर होता है उसके नीचे चारों तरफ पानी और फोम का छिड़काव करें, आग लगने जाने पर फोम एवं पानी का प्रयोग करें, पानी को पूरे ग्राउंड में डाल दें ताकि वहाँ पर क्या हीटिंग कम से कम और आग को फैलने से रोका जा सकता है। ये थे इसके बारे में विशेष महत्वपूर्ण पॉइंट्स। और उसके बाद में अपन आगे बात कर की थी हवाई जहाज की सामान्य स्थितियों के अंदर किस प्रकार से आग लग जाती है, वो आप सभी ने आशा करता हूँ कि नोट कर लिया होगा। लेकिन इसके साथ साथ में आपको इसको जो पॉइंट है इसको रटने की आवश्यकता नहीं है कि ऐसा नहीं आप साहू कि मैं क्या है पूरा इसको रट के याद कर लूँ, नहीं ऐसा नहीं है। आप इसको एक बार नॉर्मली दिमाग में रखना और समझने की प्रयास करना कि इस प्रकार की आग है वहाँ पर, अपने को जैसे कि अपना माइंड होता है माइंड के अंदर थीम बना के इसको आप यदि सेट कर लोगे तो ये कभी डिलीट होने वाली नहीं है आपके माइंड से। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था क्या है हवाई जहाज में रेस्क्यू वो अग्निशमन कार्य, हवाई जहाज के अंदर रेस्क्यू वो अग्निशमन कार्य की बात अपन ने की। तो रेस्क्यू के लिए सबसे पहले रेस्क्यू कार्य किया जो भी कंपार्टमेंट के द्वार है उसके द्वारा अपन घुसे, जो मैंने पिछले वीडियो के अंदर आपको नोट करवाए हुए थे किस किस द्वार के माध्यम से अंदर घुस सकते हैं। उसके बाद में अग्निशमन का कार्य प्रारंभ किया, उसके बाद आग की घटना को रोकने का, उसके बाद दूसरी सेवाओं की प्राथमिक उपचार, और हवाई अड्डे के दो प्रकार से यदि आग लग जाती है तो क्या हवाई अड्डे के अंदर होती है तो आसानी से बुझती है, लेकिन बाहर यदि घना आबादी क्षेत्र होता है तो वहाँ आग बुझाना बहुत ही मुश्किल होता है। आज के लिए बस इतना ही, अपन अगले वीडियो में फिर हाजिर होते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।